आज दिल्ली में पिछले 9 महीने से दिल्ली के अंदर आंदोलन, और अगर पूरा हिसाब लगाए तो 1 साल से भी ज्यादा होगा इस किसानी संघर्ष को। अब अपने स्टेट में लोग आंदोलन कर रहे हैं, 9 महीने से ज्यादा दिल्ली के चारों तरफ दिल्ली को घेर के किसान बैठे हुए हैं। डाउन करेंगे, सस्ते में माल खरीदेंगे, गोदाम का ताला लगाएंगे, 10 महीने महंगा बेचेंगे और 2 महीने सस्ता करेंगे, ये इनका फंडा है। और आने वाले टाइम पे हमने कहा कि हिमाचल के किसान को कि आने वाले टाइम में वो दिन दूर नहीं जब चाय बागान आसाम के लोग जो किसान वहां के थे, आज वे उन्हीं चाय बागानों में पत्ती तोड़ने का काम करते हैं। वे मजदूर है वहां के, हिमाचल का किसान भी मजदूर बनेगा। और पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश जो ये जमीन है जहां पे आप फसलें पैदा करते हो, वो दिन दूर नहीं कि जो एग्रीकल्चर पॉलिसी है वो खराब है सरकारों की। आज दिल्ली में पिछले 9 महीने से दिल्ली के अंदर आंदोलन, और अगर पूरा हिसाब लगाए तो 1 साल से भी ज्यादा होगा इस किसानी संघर्ष को। अब अपने स्टेट में लोग आंदोलन कर रहे हैं, 9 महीने से ज्यादा दिल्ली के चारों तरफ दिल्ली को घेर के किसान बैठे हुए हैं। अगर सरकार किसी पॉलिटिकल पार्टी की होती तो वह जरूर बातचीत करती। सरकार है मोदी सरकार, और मोदी सरकार को चलाती है बड़ी बड़ी कंपनियां, उन कंपनियों के अधीन सरकार हो चुकी है। लेकिन इस किसान ने भी जो जत्थेबंदी अब की बार हुई, ये किसान ने भी कर लिया, ये कसम खा ली किसान ने कि हम वापसी नहीं आएंगे जब तक ये 3 काले कानून वापसी नहीं होंगे, एमएसपी पे गारंटी कानून नहीं होगा, ये किसान दिल्ली को छोड़ के वापसी आने वाला नहीं है। ये तैयारी आपको सबको रखनी है। वो मुझे फनगर की मीटिंग हो, बड़ी संख्या में उसमें लोग आएंगे, वो और जगह की भी मीटिंग हो, मिशन यूपी नहीं मिशन देश चलाना पड़ेगा। पूरे किसानों के जत्थेबंदी जो हमारे संयुक्त मोर्चा के लीडर हैं, वे पूरे देश भर में जाएंगे, जो सरकारों की पॉलिसी है उसको बताएंगे। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 में आमदनी दुगनी हो जाएगी, ये बीजेपी के उनके सरकार और यहाँ के खट्टर ये भी अपने बोर्ड लगाए कि 2022 में आमदनी दुगनी हो जाएगी, देश के प्रधानमंत्री ने कहा। हम भी वोट लगाएंगे कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि आमदनी दुगनी होगी, 1 जनवरी से बिकने वाली हर फसल के रेट दुगने होंगे, देश के प्रधानमंत्री ने कहा। यही तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री कि आमदनी दुगनी होगी 2022 में, और हम भी यही कह रहे हैं कि हम अपनी फसल 1 जनवरी से, देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि फसलों के रेट दुगने होंगे, हम जो कणक बेचते हैं उसका भाव 4,000 रुपये क्विंटल होगा, जो जीरी बेचते हैं उसका भाव 3800 रुपये क्विंटल होगा, जो हम मूंग बेचते हैं उसका भाव 14,000 रुपये क्विंटल होगा, ये देश के प्रधानमंत्री ने कहा। ये कहना पड़ेगा जब उनके लोग आपके बीच में गांव में आएंगे, ये प्रचार करना पड़ेगा का, या तो ये कहो कि देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता था, आप पार्टी छोड़ के किसानी आंदोलन में शामिल हो जाओ, और नहीं होते तो आप गांव छोड़ के जाओ, या तो पार्टी छोड़ो या गांव छोड़ो, एक चीज आपको छोड़नी पड़ेगी, दोनों चीज नहीं चलने की। आप बनो गवर्नर सतपाल सिंह मलिक के जैसे बनो कि पार्टी में रहते हुए जितने भी किसानी आंदोलन के पक्ष में उन्होंने आवाज उठाई, आप बनो के सतपाल सिंह मलिक ने कहा कि जो खट्टर ने ये आंदोलन पर लाठियां चलाई है, ये गलत करा है, उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, उस अधिकारी को सस्पेंड डिसमिस करना चाहिए। वो अधिकारी कोई और नहीं है, उस अधिकारी का चाचा आरएसएस में एक बड़े ओहदे पे है, वो आरएसएस की फैमिली से है। जो खट्टर है यहाँ का मुख्यमंत्री, वो भी आरएसएस की फैमिली से है। ये सरकारी तालिबान देश में घुस चुके हैं, ये सरकारी तालिबानों का पहला कमांडर करनाल की जमीन पे मिला है, आरएसएस का बंदा है और आईएएस अधिकारी बन चुका है। अगर हमको खालिस्तानी कहोगे तो हम आपको सरकारी तालिबानी कहेंगे।
ये याद रख लेना, यहाँ की सरकार सरकारी तालिबानों का तमका और आपका कमांडर करनाल के अंदर है, ये किसान उसको कभी माफ नहीं करेगा। उनकी फैमिली जिनका बच्चा वहां पर शहीद हुआ है, उनका परिवार तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। 302 का मुकदमा और सस्पेंड अगर सरकार ये भी नहीं करती तो उसकी पोस्टिंग करो झारखंड में, उसकी पोस्टिंग करो छत्तीसगढ़ में, नक्सली क्षेत्र में उसकी पोस्टिंग करो, वहां पर जरूरत है इसकी। परमानेंट लिख के दो भारत सरकार कि इसकी पोस्टिंग वहां पर कर जाती है, अगर आईएएस रहेगा तो ये वहां पर ड्यूटी करेगा। ऐसे खतरनाक आदमी की तो जरूरत वहां पे है। अपने आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से हमारा आंदोलन चलेगा। भारत सरकार के अधिकारियों का ये कहना है कि इस आंदोलन को जब हटाया जाएगा तो इसमें से 1000 से 1500 लोग इस आंदोलन में मारे जाएंगे। मारे गए हैं हमारे 650 लोग शहीद हुए हैं। क्या भारत सरकार जब ही मानेगी जब इस आंदोलन के 1500 लोग शहीद हो जाएंगे? ये उनका पूरी रणनीति थी। 26 तारीख के बाद में जो घटनाक्रम हुआ उसमें इनकी रणनीति थी कि आंदोलन को हम हटाएंगे तो आंदोलन में हजारों लोग उसे ज्यादा इस आंदोलन में मारे जाएंगे। ये फीडबैक सरकारों के थे। सरकार ये चाहती थी कि इस आंदोलन में कत्लेआम हो, इस आंदोलन में हिंदू सिख हो, इस आंदोलन में मुस्लिम और हिंदू की लड़ाई हो। और आज भी जब भी उत्तर प्रदेश में अब चुनाव होंगे किसी बड़े हिंदू लीडर की हत्या होगी, बचकर रहना जो हिंदू की बात करते हैं, ये आरएसएस के लोग आपकी हत्या करवाने का काम करेंगे। ये चुनाव को फिर हिंदू मुस्लिम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में करवाएंगे। किसी बड़े हिंदू लीडर की हत्या करवा के ये चुनाव जीतना चाहते हैं। जो भी इनकी बात करेगा आप बचकर रहना, इससे खतरनाक पार्टियां नहीं हो सकती। जिसने अपने लीडरों को अंदर बंद कर रखा है, कहां है लाल कृष्ण आडवाणी, कहां है मुरली मनोहर जोशी, जो स्टेज पर कहते थे कि सुविधा से जागरण के मंच पर बात करते थे, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते थे, पेस्टिसाइड आउट ऑफ इंडिया की बात करते थे, कहां गए? आज उनके घरों पे पुलिस लगा रखी है, उनके घर के अंदर कोई प्रेस के लोग नहीं जा सकते। एक बयान देने की हैसियत उनके बुजुर्गों की नहीं है, उन्हें घर में कैद कर रखे हैं। अंदर जिन्होंने पार्टी बनाई थी वे घरों के अंदर कैद है। ये बीजेपी के लोग ये कह रहे जी आप हमारी पार्टी, भाई तुम्हारी पार्टी कहां, अपने नेताओं को छुटवाओ पहले, उनसे बयान दिलवाओ, इस किसान मोर्चे के संबंध में उनसे बयान दिलवाओ। आपके तो नेता कैद में है तो ये हमको या किसी को छोड़ देंगे? तो ये आपको ये आंदोलन तेज करने पड़ेंगे, अपने आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से करने पड़ेंगे। मुजफ्फरनगर की जो पंचायत है वह संयुक्त मोर्चे की पंचायत है और वहां पे कड़े निर्णय संयुक्त मोर्चे के फैसले वहां पे होंगे जो पूरे देश भर में लागू करेंगे। ये ना मोर्चा कमजोर है, ना देश का किसान कमजोर है, ना देश का नौजवान कमजोर है। श्री अकाल। तो ये जो देश का नौजवान है इसके हाथों पे इस आंदोलन की कमान है।